तो आपको एक फैक्ट बताने जा रहा हूं आज मैं, द वन एंड ओनली स्टीव जॉब्स के बारे में। क्या फैक्ट है, क्या नहीं, उन्होंने क्या किया है बताऊंगा जरूर। लगे रही है मेरे चैनल पे जिसका नाम है द वैरायटी स्टफ और मेरा नाम है भूषण। देखिए वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। थैंक्स अ लॉट। स्टीव जॉब्स के बारे में फन फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, क्या था फन फैक्ट और कैसे क्या हर एक चीज हुई। स्टीव जॉब्स चलाते थे मर्सिडीज SL55 AMG, सिल्वर कलर की वो गाड़ी थी। जब तक स्टीव जॉब्स थे तब तक उस गाड़ी को कभी नंबर ही नहीं था। क्यों यार, नंबर होना गाड़ी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री में, लेकिन उनकी गाड़ी को कभी नंबर नहीं था। वो ऐसे आदमी थे जिनकी गाड़ी को कभी भी नंबर मिला ही नहीं। अगर मैं आपको ये बोलूं तो आप शॉक हो जाएंगे। जी हाँ, उनकी गाड़ी को कभी नंबर नहीं था। रीजन क्या था इसके पीछे, उनकी गाड़ी को कभी नंबर मिला ही नहीं, या फिर अगर मिला तो उन्होंने लगाया नहीं। जी हाँ, ऐसे हो नहीं सकता कि उन्हें मिला और उन्हें लगाया नहीं, उनके गाड़ी को सच में नंबर था ही नहीं कभी। रीजन उसके पीछे ये था कि कैलिफोर्निया व्हीकल लॉ में एक लूपहोल था जो उन्होंने ढूंढ लिया। अब दिमाग वाला आदमी था, जो आदमी एक छोड़ के दो कंपनी खड़ी कर सकता है खुद के दम पे, यार उसके लूपहोल ढूंढना क्या बड़ी बात होगी। उन्होंने वही किया, लूपहोल ढूंढना, एक लूपहोल ढूंढना, और लाइफ टाइम उन्होंने जब तक वो थे तब तक उन्होंने उस लूपहोल को यूज किया अपने फायदे के लिए। क्या फायदा था ये भी बताऊंगा, तो पहले लूपहोल देखेंगे हम लोग। लूपहोल क्या था एग्जैक्टली, कैलिफोर्निया व्हीकल लॉ के हिसाब से अगर आपके अगर आपने गाड़ी परचेस की कोई भी, तो जिस दिन से आप गाड़ी परचेस करोगे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस, 6 महीने तक अगर आपने गाड़ी को नंबर नहीं डाला या नंबर आपने रजिस्टर नहीं करवाया है तो भी चलेगा। ये व्हीकल लॉ के हिसाब से बता रहा हूं, कैलिफोर्निया में ये लॉ है। तो सेम लॉ, उन्होंने लूपहोल ढूंढा, 6 महीने वाला लूपहोल उन्हें मिल गया और उन्होंने हर बार वो यूज करना चालू कर दिया। अब आप ये बोलोगे कि हर बार कैसे किया, 6 महीने के बाद तक कोई भी नंबर डालना ही है किसी को भी। लेकिन उसमें भी जो स्टीव जॉब्स को चाहिए था उन्होंने वही किया। क्या करते थे वो, उनकी जो मर्सिडीज थी SL55 AMG सिल्वर कलर की, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो उसे एक्सचेंज कर डालते थे। जी हाँ, जो उनकी पुरानी मर्सिडीज थी 6 महीना यूज करने के बाद, वो गाड़ी उसी को बिल्कुल वैसी की वैसी गाड़ी वो दूसरी लाते थे, आइडेंटिकल वन, और उससे रिप्लेस कर देते थे। होता ये था कि 6 महीने उसकी फिर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद 6 महीने उनको फिर से टाइम मिल जाता था। तो ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक वो थे। आप सर्च कर लो, आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी उनके गाड़ी को नंबर नहीं डाला। उसके पीछे उनकी जो एक, हम बोल सकते उनकी खुद की थिंकिंग थी और उनकी सोच थी या फिर कुछ और, ये तो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वो खुद नहीं चाहते थे कि उनकी गाड़ी को कभी नंबर आए। उनके एक सबॉर्डिनेट ने ऐसा कहा है कि कभी नंबर ना मिलना ये उन्होंने पहले प्रायोरिटाइज करके रखा था कि मेरी गाड़ी को कभी नंबर नहीं मिलेगा। रीजन क्या था इसके पीछे, इसके पीछे एक ही रीजन था, उनकी सिक्योरिटी, खुद की, स्टीव जॉब्स की खुद की सिक्योरिटी। अब जो आदमी दो दो कंपनी खुद के दम पे खड़ा कर सकता है उसकी जान को भी उतना ही खतरा होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो नंबर प्लेट नहीं लगाना, इसके पीछे उनका खुद का हाथ था। होता यह है, अगर आप आपके गाड़ी का नंबर सर्च करोगे डेटाबेस में आपके लोकल ऑफिस में जाके, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती खुद के बारे में, या फिर अगर आपका नंबर किसी को भी पता चल जाता है गाड़ी का, तो आपका पूरा बायोडाटा उसको मिल जाएगा। और हाँ, यही चीज स्टीव जॉब्स नहीं चाहते थे कि उनके साथ हो, या उनका किसी को कोई नंबर या एड्रेस या कोई भी आइडेंटिटी उनकी लीक हो। अब इतना बड़ा आदमी था, आइडेंटिटी तो वैसी थी काफी अच्छी थी, लेकिन कुछ लोग उसका गलत यूज कर सकते हैं, मिसयूज हो सकता है उनकी जो
दी हुई उनकी जो भी आइडेंटिटी रहेगी, जो भी अगर एड्रेस वगैरह रहेगा, तो एक नंबर प्लेट क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती। तो उन्होंने खुद को रखा सेफ, 6 महीने का लूपहोल ढूंढा, हर 6 महीने बाद वो करते थे अपनी मर्सिडीज एक्सचेंज विद द आइडेंटिकल वन। और जब तक वो थे, जब तक वो जिंदा थे, उन्होंने कभी भी अपने गाड़ी को नंबर लगाने ही नहीं दिया। जब भी पुलिस वाले उनके यहाँ पे पहुंचते थे, वो उन्हें नई गाड़ी हाजिर कर देते, देखिए ये है मेरी मर्सिडीज जो मैंने अभी नई रिसेंटली परचेस की है। तो 6 महीने की वैलिडिटी फिर से बढ़ जाती थी, 6 महीने टाइम मिल जाता था और 6 महीने खत्म होते फिर से एक नई मर्सिडीज सिल्वर कलर की उनके गैरेज में आ जाती थी। तो ये था लूपहोल जो उन्होंने फाइंड आउट किया कैलिफोर्निया व्हीकल लॉ में, साथ ही साथ उसका खुद का सेफ्टी के लिए बोल सकते हैं हम लोग, खुद के सेफ्टी के लिए उसका कैसे यूज किया। तो ये तो एक मजेदार फैक्ट था स्टीव जॉब्स के लिए। इस साथ मैंने जो बताया आपको स्टीव जॉब्स का एक बहुत मजेदार फैक्ट, और साथ में ही उन्होंने काफी ऐसी चीजें की है जो उनके प्रोफेशन से हटके थी। थोड़ा तो उन्होंने जो दिमाग लगाया काफी अच्छा था, पर ऐसे दिमाग उन्होंने बाकी चीजों में भी लगाया। क्या क्या चीजें थी मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो और मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो एक थम्स अप दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो साथ में आने वाले वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साइड में बेल आइकॉन उस पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो मेरा नाम है भूषण और आप थे वैरायटी स्टफ में, अब लगे रहे मेरे साथ आने वाले बाकी वीडियोस के लिए। थैंक्स अ लॉट।